मैनू भा गया छल्ला चांदी दा, जैसा प्यारो है गांधी को कपड़ा खादी का। आज हम बात करेंगे लखनऊ के इंदिरा नगर की रहने वाली ऋचा सक्सेना की, जिसने महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलकर खादी बनाई और मल्टीनेशनल सेक्टर्स की नींद भूख उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एंसिया। आधी आबादी को आर्थिक आजादी देकर उनके सपनों को साकार कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं लखनऊ की ऋचा सक्सेना की, जिनका शुरू से सपना था कुछ बड़ा करने का। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर जैविक खादी यानी कि ऑर्गेनिक खादी बनाई, जिनकी खादी आज पूरे देश नहीं पूरे विदेश में भी धूम मचा रही है। कोरोना वायरस काल में जब कामगार नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो इससे प्रभावित होकर ऋचा ने 200 महिलाओं को काम देकर अपनी सोच को मूर्त रूप देने का काम किया। नारी को नारायणी का दर्जा देने के उनके प्रयास के चलते अब महिलाएं एक दिन में 700 से 1000 रुपए तक कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में प्राकृतिक ऊर्जा में MSc करने के बाद इसी विषय में रिसर्च शुरू की। इससे पहले 2015 में प्रोडक्शन ट्रेंड में BTech किया था। प्रैक्टिकल के दौरान कपड़ा बनाना सिखाया गया और उन्हें इतना मजा आने लगा कि इसी को आगे बढ़ाने में लग गई। विकास के डिजिटल युग में कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान बनेगी, ऐसी ऋचा के विचार हैं। करीब 500 महिलाएं व पुरुष उनसे जुड़कर काम कर रही हैं, जिन्हें वो रोजगार भी दे रही हैं और खादी ग्राम उद्योग आयोग की ओर से उनके कपड़े को मान्यता देने की तैयारी चल रही है। इंटोजा में जैविक धागा काटने का प्लांट लगाया गया। वहां पर महात्मा गांधी के चरखे से ही धागा बनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे खादी विल बी द सन ऑफ द होल इंडस्ट्रियल सिस्टम। धागा बनाने के बाद बाराबंकी के बड़े गांव में कपड़े की बिनाई होती है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया से खादी कपड़े की मांग आई थी और उन्होंने इसे पूरा भी किया। कपड़े की कतरन से वह अब हैंडबैग बनाकर महिलाओं को एक्स्ट्रा काम दे रही हैं। कपड़े की सील कम हुई तो अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये देखकर बेहद खुशी होती है, जब पूरा देश आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, तब वहाँ पर ऋचा सक्सेना जैसे लोग भी हैं जो भारतीय युवाओं के साथ साथ विदेशी लोगों को भी खादी प्रयोग की प्रेरणा दे रहे हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प खबर के साथ। तब तक देखते रहें न्यूज NCR।